हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत से बच्चे जो अभी बहुत डाउट में हैं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, कि उन्हें लग रहा है कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, या तो उनका ग्रुपिंग में जो है 50% के ऊपर नहीं आएगा पीसीबी पीसीएम में, या तो फिर वो एलिजिबल होंगे नहीं या नहीं होंगे इंजीनियरिंग मेडिकल फार्मेसी के लिए, या तो अगर उन्हें परसेंट कम आ गया तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है पूरी तरीके से, बहुत ही डीप में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टूडेंट, आओ सबसे पहले बात करते हैं कि मार्क्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं बहुत से बच्चे कंफ्यूज है थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को लेके, कि थियरी में अगर 20% आना कंपलसरी है या नहीं है, या प्रैक्टिकल और थियरी कंबाइन होकर मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस बात की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें कि क्या है कंबाइंड पासिंग रूल, किस तरह से थियरी और प्रैक्टिकल मिला के आप पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ पास होना बहुत आसान है, बिकॉज प्रैक्टिकल एंड इंटरनल मिला के ही 30 में से 22 एंड अबो सबको मिल जाते हैं, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिकल दिया होगा तो। मैक्सिमम स्टूडेंट को 25, 27, 29, 30 तक मिलते हैं, और अगर आपका थियरी में बहुत कम मार्क्स आता है 10 मार्क्स 15 20, तो भी वो प्रैक्टिकल के साथ कंबाइन हो जाता है। अगर आपका 35 के ऊपर मार्क्स आ रहा है तो आप पास हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग फार्मेसी मेडिकल्स में एडमिशन देना चाहते हैं तो आपको पीसीएम या पीसीबी में उस ग्रुप में 50% के ऊपर आना ही चाहिए। तो बहुत से बच्चे जो क्या होते हैं पास तो हो जाते हैं बट उनका परसेंट जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता ताकि वो एडमिशन लें, तो ऐसे बच्चे जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या है, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है। नाम तो उन्होंने सुना है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, बट एक्चुअली ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बताने के पहले ये बता दूं कि अगर कोई एक स्टूडेंट किसी एक या दो या कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा, तो वो अपना एक साल बचा सकता है। क्योंकि पहले जो है जो बच्चे फेल होते थे, जून में रिजल्ट आता था तो उनकी एग्ज़ाम अक्टूबर में होती थी, बट पिछले 4-5 सालों से जो जुलाई में ही एग्ज़ाम ली जा रही है, अक्टूबर में होने वाली एग्ज़ाम जो है जुलाई में कंडक्ट हो जाती है। अगर आपको मई एंड या जून में रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया कि आप फेल हुए हैं 2-4 या 3 सब्जेक्ट में, तो आप तुरंत जो है अपने सेंटर पर या कॉलेज में जाके फॉर्म भरते हैं जुलाई की एग्जाम का, जुलाई में तुरंत एग्जाम देना है प्रिपेयर होके, आपको अगस्त में उसका रिजल्ट आ जाता है। और अगर आप जिस सब्जेक्ट में फेल थे उस सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप जो है आगे की कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जो किसी एक या दो सब्जेक्ट में या कितने भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। लेकिन मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो सब सब्जेक्ट में पास हुआ है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, मान लो कि उसे 40% आए हैं और वो चाहता है कि वो रिजल्ट इम्प्रूव करे, वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, इसको मराठी हिंदी में श्रेणी सुधार परीक्षा कहा जाता है। तो इसका बोर्ड का सर्कुलर क्या है, तो बोर्ड का नियम क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप एक या दो सब्जेक्ट की एग्जाम तो नहीं दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट की एग्जाम देनी होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ी बात जो बच्चे कंफ्यूज है, कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आप जून में जो रिजल्ट आने के बाद तुरंत जो है अप्लाई करना होता है रिपीटर फॉर्म के साथ, अपने कॉलेज में आप जाके फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपके जो क्लर्क या तो कॉलेज के प्रिंसिपल के थ्रू भरा जाता है, जो क्लर्क जो है फॉर्म भरने का काम करते हैं उनसे बात करनी है, उनके पास अपनी डिटेल देनी है, आपका मार्कशीट का जेरोक्स, आधार कार्ड, फोटो एंड ऑल, एंड वो क्या करते हैं आपका इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरते हैं। इसके साथ ही और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप सिर्फ 2 बार दे सकते हैं, बोर्ड आपको 2 चांस देता है। अगर जून में रिजल्ट आ रहा है तो आप जुलाई में और नेक्स्ट ईयर मार्च 2020 में ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पूरी डिटेल हुई इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, आपको काफी अच्छे परसेंट हैं 60-70%, तो बहुत ही सोच समझ के इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरिएगा, बिकॉज जो मैंने बातें बताई वो लागू हो सकती है। और रही बात पास होने की, पास तो मोस्ट ऑफ सब बच्चे हो जाएंगे, लेकिन अभी पेपर जो है बच्चों को बहुत ही हार्ड गया है, बहुत ही कम मार्क्स आने के चांस है, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है सपोर्टिंग में होंगे। बहुत से बच्चे जो है नवनीत में 21 में यहाँ वहाँ रूल देख रहे हैं 20% थियरी में आना ही चाहिए ये वो, तो बच्चों वो जो है 10th में कंबाइंड पास होने का एक रूल है,
थियरी प्रैक्टिकल इंटरनल सब मिला के कंबाइन 25% का रूल है। यहाँ पर ट्वेल्थ में जो रूल है हर जगह बहुत जगह बताया गया है कॉमनली सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड के लिए, लेकिन ट्वेल्थ साइंस वालों के लिए ऐसा नहीं है। जो हम लोग पिछले कई सालों से रिजल्ट देख रहे हैं उसमें कंबाइंड पासिंग ही है। पिछले साल भी कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसको 36 मार्क्स आए, यानी अगर उसको 6 मार्क थियरी में आए 30 मार्क प्रैक्टिकल में आए तो वो फेल हुआ हो, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल आप टेंशन मत लो, कंबाइंड पासिंग स्कीम है। और अगर आपको 50% के ऊपर ग्रुपिंग क्लियर हो रहा है तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए ना जाएं, आप सीधे जो एडमिशन ले, आप इंजीनियरिंग फार्मेसी मेडिकल जहां भी जाना चाहते हैं आप एंट्रेंस एग्जाम के भरोसे एडमिशन ले लें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो तुरंत जून में फॉर्म भर के जुलाई में उसको क्लियर करके एक साल वेस्ट ना हो इसीलिए तुरंत एग्जाम देके एडमिशन लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।